अटल सुशासन दिवस के अवसर पर सोमवार को सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश के 11,76,815 किसानों को 3,716 करोड़ रुपए के बकाया बोनस राशि का वितरण किया। अभनपुर विधानसभा के ग्राम बेंद्री में आयोजित धान बोनस राशि वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्राम बेंद्री में लगाए गए विभिन्न विभागीय स्टॉलों का अवलोकन भी किया। आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 25 दिसंबर है, हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी का जन्म दिवस है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाते। मैं सबसे पहले आप मल्ला ये सुशासन दिवस के बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमर जब 15 साल के सरकार रही से छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो 2 साल के बोनस हमन नहीं दे पाए रहे, वर्ष 14-15 और 15-16 के। और हमर मोदी की गारंटी में हमन वादा करे रहन छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान मन से कि हमर सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के, तो 2 साल के बोनस लाहमन देबो। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते पूरे छत्तीसगढ़ के जनता ला, छत्तीसगढ़ के किसान मन ला ये बताते हुए हर्ष हो थे कि आज अभी हमन छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 2 साल के बोनस के राशि अभी अभी ट्रांसफर करे हन, करीब 3700 करोड़ रुपया राशि ट्रांसफर हुई से। अभी कुछ जिला के हमर कार्यकर्ता मन से बात होत रही से, उमन के खाता में पैसा चल गई से बोनस के, तो ऐसे 12 लाख से ज्यादा जो किसान वो सब के खाता में, जो भी बैंक में उमन के खाता है उमें बोनस के राशि पहुंच गई से। तो ऐसे सभी किसान ला मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उमन तो सोचे रही न हुई कि ये पैसा तो डूब गई, लेकिन आज उमन ला अचानक बड़े बड़े राशि मिलत है। कोई कोई किसान ला 2-2 लाख से ज्यादा के राशि बोनस के रूप में 2 साल के मिलत है, तो बड़ा खुशी किसान मन में है। तो बंधुओं मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बात ला कथे ओला करते, करनी और कथनी में एकरूपता होते, और इसलिए आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के जनता मन के विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में बढ़े हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के ऊपर में बढ़े हैं। हमन हमारे डिप्टी सीएम बतात रहिन कि 13 तारीख ला हमन शपथ लेहन और 14 तारीख ला ही पहला कैबिनेट के बैठक करके, जो चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी छत्तीसगढ़ के जनता मन से वादा करे रहिन कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका पहला काम होगा कि 18 लाख गरीब लोग जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं, उनका हक छीना गया है, वो 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा।
और 14 तारीख के पहला कैबिनेट में ही हमने निर्णय ले लिए हैं कि जो 5 साल